कक्षा 10 नई बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 13.1 और पुरानी बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 14.1 का हम सातवां प्रश्न करने जा रहे हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें कि हम इस प्रकार से सारणी में दर्शाया गया। तो हमें वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों गणित के हिसाब से सीधा सीधा सा प्रश्न है कि डेटा हमें दिया हुआ है और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले जो काम है वो है इसका वर्ग चेन निकालना है। वर्ग चेन निकालने के लिए इसके और इसके बिल्कुल बीच में इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर दो तो आ गया 0.004 और 0.08 के बीच में आएगा 0.06, 0.08 और 0.12 के बीच में आएगा 0.10, फिर 0.12, 1.4, 0.18 और फिर 0.22। तो ये जो है ये इसके वर्ग चिन्ह हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इसे हम कहते हैं xi। इन्हें थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक कल्पित मान देंगे। इस केस में बच्चों दशमलव से डरना नहीं है, क्वेश्चन ये भी हल हो जाएगा। तो जैसे हम आगे करते हैं, इसमें से बीच में ये दो रकमें हैं, ये और ये, इसमें से किसी एक को लेना है। मैं 0.14 को कल्पित मान ले रहा हूं, 0.14। तो अब हमें निकालना है डीआई, जो कि होता है हमारा xi। इसमें से हम कल्पित मान को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए यह है 0.02, इसमें से 0.14 को माइनस कर जाना, तो 0.02 ये माइनस करो तो 4 में से 2 गए 2, 1 में से 0 गया 1 और या क्या 0.12 और साइन बड़ी रकम का माइनस। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो 0.06 इसमें से 0.14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.08। 0.10 इसमें से यदि 0.14 को माइनस कर देंगे तो आएगा माइनस 0.04। 0.14 इसमें से 0.14 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 और इस प्रकार से आगे हमारे पास आ जाएगा 0.04 और 0.08। लेकिन पिछले प्रश्नों में हमने देखा कि कल्पित मान लेने पर जो हमारा डीआई था वो आसान हो जाता था, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारा डीआई जो है वो आसान नहीं हुआ, क्योंकि सभी में ही दशमलव है। इन दशमलवों को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप और लेंगे जिसे कि इस विधि को कहा जाता है पग विचलन विधि। आइए इसको देखते हैं कैसे। अब हम डीआई को एक ऐसे नंबर से भाग कर देंगे जिससे कि यह दशमलव यहां से हट जाए। तो मैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि सभी दो के पहाड़े में आ रहे हैं, तो मैं इस डीआई को 0.02 से भाग कर दूंगा और ये जो मेरी नई टर्म होगी ये होगी यूआई। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 0.12 को जब 0.02 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। इसको जब हम 0.02 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 4। इसे भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 2। 0 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 4। तो देखा आपने, ये स्टेप करने से हमारा जो पर्पस था कि हम इस वर्ग चिन्ह को आसान करते जाएं, ये इस स्टेप में जाके आसान हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमें माध्य निकालना को कैसे। माध्य निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा अब वो बन जाएगा समेशन एफ आई गुना यू आई बटा समेशन एफ आई। इसमें हमने जो 0.02
भाग किया था, अब वो करेंगे गुना और सबसे अंत में जो हमने a माइनस किया था अब वो हो जाएगा यहाँ पर प्लस। लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी है जो कि है एफ आई गुना यू आई, इसे हम निकालें। इसे निकालने के लिए देखिए यह छे बारंबार है एफ आई चार, चार को जब छह से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 24, चार को जब नौ से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 36। और इसके साथ माइनस का निशान भी था तो यहाँ भी माइनस के निशान आएंगे तो ये बन जाएगा -24 -36। इसी प्रकार से दो को जब नौ से गुना करेंगे तो -2 को 9 से गुना करने पर हमें मिल गया -18, 0 से 2 को गुना करने पर हमें मिलेगा 0, 2 से 4 को गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 8 और 4 को 2 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 8। अब हमें इसका जोड़ निकालना है, इसका जोड़ निकालने के लिए माइनस वाली संख्याओं को अलग से हम जोड़ेंगे तो यह आ गया 24 36 साथ में 18, 6 4 10 और 8 18 1 2 3 4 7 और यह 8 और 8 16 माइनस 78 प्लस 16 यानी 78 में से 16 माइनस कर दो, 8 में से 6 गए 2 और 7 में से 1 गया 6, 7 के साइन बड़ी रकम का माइनस 62। इसका मतलब इनका जो जोड़ आया है यह आया है माइनस 62। बच्चों आइए अब हम अपने फार्मूला पे चलते हैं। माध्य किसके बराबर है, समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई है -62 बटा समेशन एफ आई, समेशन एफ आई है 30 गुना 0.02 और इसमें हम प्लस करेंगे a, a हमने लिया था 0.14, इसे हमें हल करना है। देखिए यह माइनस 62 को 30 से भाग करना है, बासठ बटा 30 ये जीरो होता है तो यहाँ लगे दशमलव, 3 के बारे में 3 दूनी 6 दशमलव, आगे है 2 छोटा है 3 से 0, अब ये बन गया 20 तो ये बन जाएगा 6 7, 2.067 इसको हम 2.07 भी लिख सकते हैं क्योंकि 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा तो यह है -2.07, इसको गुना करना है 0.02 से और जो उसका उत्तर आएगा उसमें प्लस करना है 0.14। इन दोनों को यदि हम गुना करें तो यह है 207, यदि दशमलव को ना देखें तो 207 गुना 2 ये हो गया 414 और दशमलव के बाद अंक यहाँ है 2 और यहाँ है 2, टोटल हो गए 4 अंक, तो 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ दशमलव और 0 और साथ में यहाँ था माइनस तो यह आ गया माइनस प्लस 0.14। ठीक है, अब यदि हम इसे माइनस करना हो तो यह 0.1 ये बड़ा है, यह 0.0 ये छोटा है, 0.14 ऊपर, यदि इसको राउंड ऑफ करेंगे 4 हटा दो तो 1 भी हटा दो तो यह 0.04 4 में से 4 गए 0, 1 में से 0 गया 1, 0.0 में से 0 गए 0 तो यह आ गया 0.10, बड़ी रकम यह है तो इसका साइन प्लस का, तो हमारा जो उत्तर है वो आ गया 0.1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के माध्यम से अपना माध्य ज्ञात किया है।